जैसा कि साथियों यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक महीने पहले का कटिंग पेपर है, जो कि 19 जुलाई का कटिंग पेपर है, लगभग एक महीना हो चुका है। और यहाँ पर आपको समझाएंगे कि राजस्थान में जो विद्या सम्मिल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी टीचरों की भर्ती यानी की जा रही है, उसमें बीएड और डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, और इसके आवेदन कब से लिए जाएंगे, क्योंकि एक महीना आने खत्म हो चुका है, अब इसके आवेदन कब से लिए जाएंगे, देखिए ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि जो बीएड और डीएलएड जो छात्र बीएड और डीएलएड उत्तीर्ण कर चुके हैं और जिन्होंने अभी रीट लेवल 1 और लेवल 2 की पात्रता भी यानी पास कर ली है, तो यहाँ पर उन्हीं छात्रों को राजस्थान गेस्ट फैकल्टी रीट लेवल 1 और लेवल 2 में लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 के लिए क्या क्या योग्यता है। तो लेवल 2 के लिए यहाँ पर बीएड और रीट लेवल 2 की पात्रता परीक्षा, और लेवल 1 के लिए जो कि 1 से 5वीं तक पढ़ाते हैं उनको डीएलएड और साथ में रीट लेवल 1 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 2021 में पात्रता परीक्षा जो कि एक भर्ती परीक्षा थी जो कि 26 सितंबर को संपन्न हुई थी, यानी उस टाइम रीट लेवल 2 की पात्रता को रद्द कर दिया था और रीट लेवल 2 की पात्रता को रद्द किया था, लेकिन रीट लेवल 1 की पात्रता को रद्द नहीं किया था और रीट लेवल 1 के पदों पर नियुक्ति भी दी गई। लेकिन अब जिस पात्रता को रद्द कर दिया था, तो रीट लेवल 2 की पात्रता को रद्द किया था, लेकिन अब कोई भी एक भी छात्र रीट लेवल 2 की पात्रता वाला नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल 19 जुलाई को रीट लेवल 1 लेवल 2 की द्वारा से परीक्षा हुई है। और उसके बाद देखिए साथियों जो 23 और 24 जुलाई को जो परीक्षा हुई है, तो वहाँ पर जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 का रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर राजस्थान में गेस्ट फैकल्टी टीचर 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और प्रत्येक स्कूल के लिए यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे, अर्थात जिस स्कूल में वैकेंसी खाली है तो वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए साथियों अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है, क्योंकि स्कूल की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला गया है, और जैसे साथियों और स्कूल की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम बताते रहेंगे, क्योंकि साथियों अभी इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि जब तक यहाँ पर जो 23 और 24 जुलाई को होने वाली रीट परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक राजस्थान में जो गेस्ट फैकल्टी टीचरों की भर्ती होने जा रही है तब तक यहाँ पर ये भर्ती नहीं होगी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि भर्ती जो रीट का रिजल्ट आने से यहाँ पर रीट लेवल 1 और लेवल 2, देखिए मुख्य बात तो यहाँ पर यही है कि रीट लेवल 2 के 2 वालों के पास पात्रता नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इस भर्ती को रोका गया है। और रीट का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर रीट लेवल 2 और लेवल 1 वालों के पास ये पात्रता परीक्षा पास हो जाएगी, तो उसके बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में जिन पदों पर वैकेंसी खाली है उन पदों के लिए यानी फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो जैसा कि साथियों इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वो देखिए साथियों मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म 1 अक्टूबर से भरवाए जा सकते हैं, क्योंकि रीट 2022 का रिजल्ट सितंबर महीने में जारी हो जाएगा, और यहाँ पर 1 अक्टूबर से जो राजस्थान में गेस्ट फैकल्टी टीचरों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर या पहले भी शुरू हो सकती है साथियों। तो जैसे शुरू हुई साथियों हम सबसे पहले अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे, इसलिए साथियों हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ।